वेलकम बैक टू साबरी डॉट कॉम और दोबारा से लौटे हैं। टॉपिक पुराना है, प्रॉब्लम दूसरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसपे थंबनेल पे लिखा हुआ था कि फार्म में नए जानवर की एंट्री, तो उस बकरी के साथ हुई गड़बड़। ठीक है, हमने डायग्नोस नहीं किया, देने वाले ने बताया कि इसे अच्छा खिला पिला रखा है, फीड कर रखा है, कोई टेंशन। चलिए ठीक है, तो मैंने बकरी ले ली। बकरी लेने के बाद में बकरी ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मैंने माना था कि बकरी नहीं खाएगी कुछ क्योंकि थकी हारी है, और जिसकी वजह से वो नहीं खाएगी तो थोड़ा सा मतलब टेंशन की बात नहीं है। और मैंने पानी भी नहीं पिलाया था उसे, क्यों? क्योंकि बकरी हमारी ज़्यादा दूर की नहीं थी, और जहाँ से थी वो थोड़ा सा रेस्ट कर चुकी थी। तो फिर भी मैंने एक नॉलेज वाला आपके साथ शेयर करने की वजह से मैंने पूरी डिटेल, जो मैं नहीं कर सकता वो आप करें तो बेहतर है। अगर आपके पास बकरी दूर से आती है तो वो बेहतर है, मेरे पास इतनी दूर से नहीं आएगी। तो मैंने सोचा फिर भी मैं रेस्ट करवाऊंगा इसको, और गुड़ का पानी पिलाऊंगा, और खाने को कुछ नहीं दूंगा, डिवॉर्मिंग भी इतनी जल्दी नहीं करूंगा। तो मैंने क्या करा, इसको बकरी को पानी नहीं पिलाया। बकरी को पूरे दोपहर बीत गया, बकरी ने पानी बहुत पीना चाहा, मैंने नहीं पिलाया। भूख इसको नहीं लग रही थी, फीड मैंने इसके आगे भूसा रखा, थोड़ा बहुत खाती रही। लेकिन फिर थोड़ा सा जब वक्त बीता, शाम बीत गई, रात बीत गई, मेरे सारे जानवर भूख में तड़प रहे हैं, खा रहे हैं, भर के पेट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फर्स्ट क्लास, मतलब एकदम मेन भी बढ़िया और पेशाब भी बढ़िया सब ठीक। ये बकरी एक गुमसुम सी थी। मैंने हो सकता है किसी मालिक से बिछड़ कर आई हो, इसका कोई भाई हो, इसकी कोई माँ हो, उसके गम में मतलब शांत बैठी हो। मैंने चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें वक्त देना चाहिए, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगले दिन मॉर्निंग लगी, 24 घंटे बीत चुके थे, बकरी ने कुछ नहीं खाया, भूसा भी नहीं खा रही। फिर मैंने इसका फीड चेंज करा, मैंने इसके आगे गूदा रखा, जिसने गूदा भी नहीं खाया। मैंने इसके आगे पत्ते रखे गूलर के, इसने वो भी नहीं खाए। मैंने किया यार, ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि इसने गूदा खाया तो इतना सा गूदा खाया होगा, मेरे फार्म के अंदर जितने भी होते हैं मौसम का गूदा जितना रख दो पैट पूछ के खाते हैं, इसने इतना सा खा के पीछे हट गई। तो मैंने पता नहीं क्या बात है, फिर मैंने इसको डायग्नोस किया। तो यहाँ से मेरे सर में थोड़ी टेंशन घुस गई, मैंने क्या करा, ये क्या हुआ। तो थोड़ी बकरी को जब मैंने डायग्नोस करा तो बकरी के पेट में समस्या निकली। बकरी का पेट पूरा पत्थर हो रहा था, टाइट नहीं हो रहा था, पत्थर हो रहा था, एक साइड से हल्का सा मुलायम था, रोमन की साइड से बिल्कुल टाइट। मैंने ये क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अब जब इतना होने के बाद में डायग्नोस किया कि इसने अनलिमिटेड अनाज खा रखा है, और जो अनलिमिटेड इसने अनाज खा रखा था, मेरा वहां फायदा कब हुआ, जब मैंने इसे लाते ही से पानी नहीं पिलाया। मैंने लाते ही से पानी नहीं पिलाया। अगर आपके साथ कभी, यहाँ पे वीडियो रोकते वाले चलूँ कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी मतलब लाते पानी ना पिलाएं, पहले ही आप उसका पेट चेक कर लें, नॉर्मल है, मुलायम है, ठीक है, बकरी जुगाली फेर रही है, ठीक, पेशाब मेंग में ठीक है, उसके बाद में आप थोड़ा बहुत उसको फीड की तरफ ला सकते हो, पानी पिला सकते हो, ऐसा मत पिलाना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बकरी को पानी नहीं पिलाया, ये मुझे बहुत फायदा दे गया, मैंने वीडियो में बताया था, जैसे कि ये वीडियो में देख सकते हैं, तो लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जब भी फार्म में बकरी को लेकर आए, कुछ खाने को मत दीजिए, कुछ भी ज़बरदस्ती अच्छा भी मत खिलाइए, ना ही कुछ उसे पिलाइए, ठीक है। आप लेकर आते हैं, उसे रेस्ट कराइए। वीडियो में मैंने बता दिया था पहले कि पानी नहीं पिलाना, तो उसका मुझे फ़ायदा हो गया। पानी पिलाता मैं इसको एसिडोसिस, एल्कलोसिस बन जाता, अनाज जो है वो गैस बनाता है, तेजाब बनाता है, एसिड बनाता है, एसिड की मात्रा इतनी हाई लेवल होती है, उसके गैस इतनी बनती है, उसका डायफ्राम सारा दब जाता, फेफड़े उसके सारे दब जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और ये फिर इतनी ज़्यादा गंभीरता में आ जाती है। और जानवर जिसके भी गैस बने, पानी भर जाए, उसे बैठने नहीं देना है, टाइफाम और दब जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत निश्चित होनी होती है, लेकिन वक्त से पहले हो जाती है, आपको बैठने नहीं देना। दूसरी बात, सोडा मत पिलाना कभी भी उसे पानी के साथ खोल करके, अगर उसके गैस बनी भी है तो, ठीक है। एसिड मात्रा वैसे ही उसकी ज़्यादा होए और आप उसे पहले ही पिला दें, आप अलग तरीके से करें ना, स्टमक ट्यूब डालिए उसके, तो मैंने इसके स्टमक ट्यूब डालना चाहिए। बकरी बहुत ज़्यादा, उसने एग्री नहीं करा कि मैं डलवाऊँ, मैंने 3 बार ट्राई करा, मैंने रहने दो नहीं डलवा, क्यों, उसके पानी भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उसका तरीके से निकाल देता उसका पेट का अनाज। अगर उसके पानी नहीं था, पानी में होगा तो डालोगे तो बह के सारा आ जाएगा, लेकिन अंदर तो अनाज ठोसा पड़ा है, तो वो कैसे पाइप में लेकर आएगा, वो निकल जाता तरीके से, उसके पानी डालना पड़ता, फिर वही पानी फेंक मारते तो अनाज बह के सारा बाहर आ जाएगा। मैंने इसे पानी नहीं पिलाया, बहुत अच्छा, ये मैंने अपने खुद ही अपना काम करा, मैंने इसे पानी नहीं पिलाया। तो बकरी को हमने डायग्नोस करा, अगले दिन हो गए पूरे 48 घंटे बकरी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और पानी पी रही थी लेकिन खा कुछ नहीं पी थी, पानी भी तो थोड़ा बहुत पी के रह रही थी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने चलिए कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हैं बकरी जो है जुगाली फेर रही है, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो रोक करके दिखा दूँ, बकरी जुगाली नहीं फेर रही थी, आप अगर देखेंगे तो बकरी जुगाली फेर ही नहीं रही थी।
बकरी बिल्कुल अब जुगाली फेर रही है, और इसने जुगाली फेरना चालू मतलब बकरी को, आपकी बकरी को कोई समस्या है ही नहीं, आप यहां से ये मान सकते हैं, ठीक है। बकरी जुगाली फेरना मतलब बकरी आपकी परफेक्ट है, और अगर आपकी बकरी जुगाली नहीं फेर रही है तो यहाँ आपकी समस्या बन सकती है। मेरी बाकी की बकरियाँ रेस्ट कर रही हैं, ये भी थोड़ा सा रेस्ट ले रही है, एंजॉय ले रही है, और परफेक्ट है जुगाली का मैंने आपको भी तो आपने देखा जुगाली बकरी कर रही है, कोई टेंशन नहीं है। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ पूरा रिजल्ट लेने के बाद बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बकरी का देखो मैंने ये इलाज कर दिया इस बीमारी में, ये इलाज करने बकरी ठीक हो जाएगी। बकरी अगर मेरी मर जाती या कंडीशन ऐसी आती कि काट दो वरना मर जाएगी, कोड़े करके कराना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या मेरा इलाज का? जो मेरा इलाज कामयाब ही नहीं हुआ तो मैंने इलाज बता के क्या कर लिया? हाँ वो बात अलग है, जो मेरा बताया हुआ इलाज होता है प्रैक्टिकली पहले कर चुका होता हूँ, फिर आने वाले फ्यूचर में कभी समस्या बनती है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। लेकिन ऐसा होता है ना कि बकरी कभी कभी नहीं इलाज काम करता तो क्या कर सकते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे इलाज फेल हो जाते हैं, जो ऊपर वाली की मर्जी होती है वो होना होता है। तो फिर इस बकरी को मैंने क्या करा, मैंने इसको पानी नहीं पिलाया, पूरे दिन मैंने पानी बंदी कर दिया और अपने सारे जानवरों के आगे से इसको पानी हटा दिया, और इसके आगे गले में बांधी मैंने रस्सी और खूंटे से बांध दिया मैंने। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इस बकरी को ये सोचा कि अब इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। रात का वक्त था, आई वी आर एल मेरे पास था नहीं, खत्म हो चुका था, जो कि मैं पहले सफ़ेद बकरी के लगा चुका था, जो उसके ब्लड आ रहा था पेशाब में। तो मैंने क्या करा, रात के टाइम मैंने एटोपिन सल्फेट, जो मैंने आपको बता रहा हूँ इमरजेंसी में फूड पॉइजनिंग में रखना बहुत ज़रूरी है, सस्ता इंजेक्शन है, 20 रुपये में 30 ml आ जाता है आपका एट्रोपिन सल्फेट आपने रखना है। मैंने इसको 4 ml IV लगाया, कीटोप्रोफेन IV लगाया, न्यूरोकाइन प्राइवेट IV लगाया, न्यूरोकाइन इंटरमस्कुलर लगाया, ठीक है, सीटीएम भीम कॉम्प्लेक्स मिक्स करके 3 ml सीटीएम 2 ml भी कॉम्प्लेक्स इंटरमस्कुलर लगाया। ये ट्रीटमेंट करने के बाद में डेढ़ समय था कौन सा मैंने मंगवा लिया था, वो मैंने नहीं लगाया क्योंकि अभी उसका काम नहीं था। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इन चीज़ों के बाद में मैंने इस बकरी को लगा दिया एंटीबायोटिक के तौर पे, मैंने लगाया ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 3 ml IV। अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में देखता हूँ बकरी हल्की सी जुगाली करने लगी, खुशी हुई, मैंने कहा चलो ट्रीटमेंट कामयाब हुआ, जो कि मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी लेकिन इंजेक्शन में मैं आपको दिखा दूँ। फिर मैंने नेक्स्ट डे लगा, मैंने आई वी सेट तैयार करा, मैंने आर एल मंगाई, और आर एल लगाने के बाद में मैंने इसके अंदर मिलाया, मैंने लगाया सबसे पहले प्राइवेट 5 ml IV में मिक्स कर दिया मैंने, ये सारा इसके B12 B6 जितने भी इसके विटामिन है ना ये बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसके कारण बकरी जो है गिरने लगती है, चल फिरने से बेकार हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो जाती है, तो ये कमी पूरी करेगा। मैंने इसके अंदर जल्दी से प्राइवेट 5 ml मिला दिया, फिर इसके अंदर 1 ml डेक्सामेथासोन जो बूस्ट कर देता है सारे इंजेक्शनों की पावरों को, प्रेग्नेंट नहीं थी दूध देने वाली नहीं, तो मैंने इसमें डेक्सामेथासोन मिला दिया, आपके अगर प्रेग्नेंट है तो मत मिला, तो मैंने डेक्सामेथासोन 1 ml मिला दिया। और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन अगर अपने पास रखें इसके अंदर 3 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिला दें, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट 4 ml मिला दें, प्राइवेवेट 5 ml मिला दें, ये सारे इंजेक्शन मिलाने के बाद में IV लगा दें। जब आप IV लगा देंगे, IV लगाने के बाद में आपको फिर इंटरमस्कुलर के लिए इंजेक्शन तैयार करना है। IV आप फुल स्पीड पे लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IV में मैंने यूज़ करी है 20 नंबर की निडिल, ठीक है, 20 नंबर की निडिल पे फुल स्पीड करके चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम नहीं चढ़ा रहे जो स्लो चढ़ानी पड़ेगी। तो आपको ये ड्रिप लगाने के बाद में कंप्लीट हो जाए तो आपको TPM, तो ये हमारा न्यूरोकाइंड इंजेक्शन है जो कि हमने ले लिया है समथिंग 3 ml, ओके, और ये कीटोप्रोफेन है हमारा, ये हमारा 2 ml है, और ये हमारा बी कॉम्प्लेक्स और CPM, बी कॉम्प्लेक्स 2 ml, CPM 3 ml, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक के लिए हमने लिया है, ओके, 3 ml। ये सारे इंजेक्शन हम इंटरमस्कुलर लगाएंगे। और इस इलाज के बाद में मैंने बकरी ऐसा कुछ पाया कि बकरी ने पूरी जुगाली शुरू कर दी। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ये 2 दिन के बाद की है, पूरा जब मुझे तसल्ली हुई, सुकून हो गया कि बकरी मेरी ओके है, परफेक्ट है, खा रही है, पी रही है, पेशाब भी करती है, मेंगनी भी करती है, जुगाली भी कर रही है, जब 5 सिम्टम इसके मैंने नोट कर लिए तो बकरी 5 सिम्टम के बाद में मेरी परफेक्ट हो गई। तो मैंने ये सिम्टम नोट करने के बाद में जब मैंने वीडियो शूट करना चालू करा, अगर मैं इसको पानी पिला देता तो समस्या यहाँ बन जाती। तो आप कभी भी गलती ना करें किसी भी प्रकार की, कभी भी आपकी बकरी अनाज खा ले पानी मत पिलाना, कभी भी आप अपनी बकरी को रोटी मत खिलाना बासी, पकौड़ी, कचौड़ी, पूरी, तला हुआ आइटम,
मत खिलाना, मैदा जो होती है वो आइटम खिलाने में मत। हाँ, मैदे का एक मैंने फॉर्मूला बताया था डिस्चार्ज आने का, वो अलग चीज़ है, तला हुआ मत पका हुआ खिलाना। तो मेरा यही आज की वीडियो का टॉपिक था, कभी भी अगर आपके साथ धोखा भी हो जाए या आप चूक जाएं या आपको धोखा दे दिया जाए या आपके साथ आपकी बकरी के साथ हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं उस वीडियो में आपको नहीं बताता तो शायद आपको वीडियो देखने में मजा नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि बकरी के साथ अगर कभी भी लेकर आते हैं तो उसको पानी मत पिलाइए, फीड मत पिलाइए। अगर मैं इसे पानी पिला देता ये मर जाए, मुश्किल हो जाता। नहीं मरने देते लेकिन अपने घर पूरी कोशिश करते, पाइप डाल के निकालते। अभी बकरी का पेट इतना सा पिचक के हो गया, पहले पेट जो था ये फूल रहा था, ये देखने में लग रहा था पता नहीं क्या खिला रखा है। तो हमें अपनी बकरी को कभी भी गलती के साथ पानी नहीं पिलाना है, अनाज खा ले या मंडी से खरीद के लेकर आए या किसी से खरीदें, कोई बात नहीं। धोखा देने वाला आपको धोखा दे देता है, दूसरे का माल जो होता है हमारी नज़र में कूड़ा ही होता है, अपना सोना होता है, समझ रहे हैं ना। मैं दूसरों को नहीं कह रहा कि हमारा कोई लेने आता है तो कूड़ा नजर आता है उसे और गिरे हुए रेट लगाता है। इसी तरह से धोखा देने में दुनिया एक्सपर्ट है, संभलना खुद को ही होगा। तो इससे बेहतर आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें साबरी गॉट फॉर्म। थैंक यू।